आज हम पूजन विधि वर्ष के आगमन काल के तीसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। इसी के साथ आज का सुसमाचार हमें योहन बपतिस्ता के व्यक्तित्व और मिशन पर अपना प्रतिबिंब जारी रखने के लिए आमंत्रित करता है। आगमन काल के तीसरे रविवार को गौदाते रविवार भी कहा जाता है। गौदाते एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आनंद। आनंद शब्द की झलक हमें आज के दूसरे पाठ जो कि तेसलोनीकियों के नाम पहले पत्र से लिया गया है हमें देखने को मिलता है, एवं यह स्मरण कराता है कि आगमन काल आनंद मनाने का समय है, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है एवं पहले से ही निश्चित किया गया है। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार से हटकर विदा लेते हुए संत योहन के सुसमाचार में प्रवेश करते हैं तथा अपना मनन करते हैं। संत योहन हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व पिता परमेश्वर के साथ संसार की शुरुआत से ही था। यीशु मसीह पुराने विधान की पूर्ति हेतु एवं वचन की परिणति के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। वह आदि और अंत हैं। वह संसार की ज्योति है जो इस अंधकारमय दुनिया में आ रहे हैं, तथा हम सबों को आह्वान है कि हम भी उस ज्योति में जिएं, ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। संत योहन अध्याय 1 वाक्यांश 26 में हम कहते हैं कि तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं पहचानते। आज के सुसमाचार द्वारा संत योहन हमें इन्हीं मसीह को जानने पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं। मसीह कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही बीच मौजूद है। हमारे पड़ोसी में, हमारे कष्ट दुख तकलीफ में फंसे भाई बहनों में, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति में। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो तुम मुझे लोगों के बीच में पाओगे। मसीह हमारे बीच में एवं हम में से प्रत्येक व्यक्ति में है। मुझ में, आप में, सृष्टि के हर कण कण में यीशु हैं। इसलिए यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति मसीह को एक दूसरे में ढूंढे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, तथा हम प्रेम, दया, क्षमा एवं धैर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। हम मसीह की उपस्थिति को हमारे बीच में पहचान जाएंगे। संत योहन की प्रतिक्रिया हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आगमन विषय पर प्रकाश डालती है। यरूशलेम से आए यहूदी धार्मिक अधिकारियों का सवाल प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर डालता है कि आप कौन हैं। योहन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह ना तो एलिया है और ना ही मूसा। हमें भी यह कहने की ज़रूरत है कि हम कौन नहीं हैं। एक स्वस्थ भावना रखने के लिए हम दूसरों की अपेक्षाओं से परिभाषित नहीं हैं, न ही हमारी नौकरी, जाति, रंग, यहाँ तक कि न ही हमारी सामाजिक स्थिति व पारिवारिक वंश। योहन का जवाब बड़ा ही चौंका देने वाला है, अनोखा एवं सुंदर था। हमारी सकारात्मक आत्म परिभाषा योहन की तरह होनी चाहिए, जो हमारी विलक्षणता, रचनात्मकता एवं सुंदरता को अभिव्यक्ति दे। आइए हम सभी अपने दैनिक कार्यों से, रोज़मर्रा की जिंदगी से वक्त निकालकर ईश्वर से विशेष आशीष की कामना करें एवं प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे कृपा प्रदान कर कि मैं आपको लोगों के मध्य जानने पहचानने में सक्षम बन सकूं। हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना में भी एक दूसरे को याद करें एवं यह भी स्मरण करें कि हम ईश्वर के प्रेम रूपी समाज से संबंधित हैं, वह समाज जो ईश्वर में विश्वास करता है। इसलिए आइए हम सब संपूर्ण आत्मा से ईश्वर के साथ आनंद मनाएं, क्योंकि वह हमारे निकट है, हमारे बीच में है
एवं वास्तव में हमारा ईश्वर इमानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।